आज हम लोग डिस्कस करेंगे आपका मोटर का जो नेम प्लेट है उसमें क्या क्या लिखा रहता है उसी के बारे में। ठीक है, पहले तो हम लोग देखेंगे ये एबीबी कंपनी का। ये देखिए ऊपर में एबीबी कंपनी का मोटर है। ठीक है, एबीबी कंपनी ने बनाया है। ठीक है, ईयर ऑफ मैन्युफैक्चर 2016 साल। ठीक है, ये सीरियल नंबर है जो लिखा है, ये वाला ये सीरियल नंबर है आपका। ठीक है, इसी से मोटर मिल जाएगा इस टाइप का। ठीक है, और आप जानेंगे क्या वोल्टेज वोल्टेज कितना दिया जाता है। ये थ्री फेज मोटर है, देखिए यहाँ पर लिखा है थ्री फेज मोटर। ठीक है, थ्री फेज मोटर है, वोल्टेज कितना देंगे 415। ठीक है, ये देखिए 10% बढ़ा भी सकते हैं, 10% घटा भी सकते हैं। इसका मतलब है 415 का 10% अगर बढ़ भी गया तो मोटर का कोई क्षति नहीं होगा, वो मोटर चलते रहेगा, घट भी गया तो मोटर चलते रहेगा। ठीक है, रेटेड स्पीड से तो। और ये देखिए फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज। ठीक है, इसको भी 5% बढ़ा हुआ घटा तब भी चलेगा। और देखिए ये आर मिनट मतलब होता है आरपीएम पर मिनट, मतलब एक मिनट में 1482 बार मोटर घूमता है। ठीक है, अगर रेटेड वोल्टेज दिए तो 415 रेटेड वोल्ट दिया जाए तो। ठीक है, अब देखिए ये 45 किलोवाट का मोटर है। ठीक है, उसके एचपी में लिखा गया है 60 एचपी। और देखिए ये एम्पियर है, मैक्सिमम करंट है आपका 81.60। ठीक है, कॉस पाई मतलब होता है इसका पावर फैक्टर। हम लोग जानते हैं जब मोटर मोटर में कॉइल रहता है जो इंडक्टिव है, तो मोटर डिजाइन ही किया जाता है लैग पावर फैक्टर के लिए। ठीक है, तो 0.83 इसलिए डिजाइन ही किया जाता है मोटर को। और देखिए ये इफिशियंसी है ईएफएफ मतलब इफिशियंसी। ठीक है, वो आपका 94.20 है। इफिशियंसी का मतलब क्या होता है, आउटपुट बाय इनपुट। ठीक है, और जानेंगे मोटर का ड्यूटी। ड्यूटी मतलब होता है मोटर कितना समय तक चला सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो मोटर का ड्यूटी लिखा है यहाँ पर S1। ये S1 S2 S3 करके डिवाइड है, ये बाद में एक वीडियो बना देंगे। ठीक है, और हम लोग जानेंगे एम्बियंट टेम्परेचर जो है 50 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, इंसुलेशन क्लास F मतलब होता है ये मोटर आपका 155 डिग्री तक अगर टेम्परेचर पहुंच गया तब भी मोटर चलेगा। ठीक है, मैक्सिमम टेम्परेचर है 155, जो इसीलिए उसी हिसाब से मोटर का डिजाइन किया जाता है कि इतना टेम्परेचर ये सहन कर सके। ठीक है, तो इसीलिए इसको एफ टाइप इंसुलेशन क्लास है। ये इंसुलेशन क्लास भी रहता है, डिवाइड रहता है YAE BF HC, तो इस हिसाब से आपका एफ क्लास का है। और आप जानेंगे बियरिंग साइज, दो बियरिंग यूज किया जाता है, एक ड्राइव एंड साइड एक नॉन ड्राइव एंड साइड। देखिए ये वाला 6213 2Z मतलब ZZ C3, एक बियरिंग का नंबर है और दूसरा बियरिंग का नंबर है 6210 2Z C3। तो बस आज के वीडियो में इतना ही।